करंटली काफी सारे ऐसे रेसलर्स हैं WWE में जो कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डल सा फील होने लग गए हैं। डल इन द सेंस कि यार उनके इस कैरेक्टर में अब हम उतने भी इन्वेस्टेड नहीं है जितना कि पहले हुआ करते थे, क्योंकि आपको पता है यार अगर कोई बहुत लंबे टाइम तक सेम ही कैरेक्टर पकड़ के रखता है, शार्लेट फ्लेयर को तो छोड़ दो, उनका क्वीन चल ही रहा है तब से, रिटायरमेंट तक यही चलेगा। मैं बाकी रेसलर्स की बात कर रहा हूँ, बट सही में यार काफी सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि एज अ बेफेस बिल्कुल इरिटेटिंग से फील होने लग गए हैं। जब भी WWE किसी फेस सुपरस्टार को देवता टाइप कैरेक्टर देती ना, हां भाई मैं तो अच्छाई की पूजा करता हूं, मैं तो वीटिंग धोखाधड़ी ऐसे सारे नशीले पदार्थों से दूर ही रहता हूँ, तो फिर कैसे गुस्सा नहीं आएगा। और करंटली ऐसे 10 सुपरस्टार्स हैं रोस्टर पे जिनका कि यार नेक्स्ट एक साल में हील टर्न डेफिनेटली हो जाना चाहिए, जिसमें कि यार पहला नाम है हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन का। अब देखो जब तक सैमी ज़ेन ब्लडलाइन के साथ इन्वॉल्व थे बहुत ही मजा आया उनका कैरेक्टर देखने में, इतना फन कैरेक्टर था, इतना चीयरफुल कैरेक्टर था, एक अलग ही वाइब फील होती थी यार सैमी ज़ेन की उस कैरेक्टर में। और बाद में जब उनका रिवेंज टूर शुरू हुआ तब तक भी सारी चीजें बढ़िया लग रही थी। रेसलमेनिया 39 की नाइट 1 को उन्होंने मेन इवेंट किया, टाइटल्स भी जीत, लेकिन उसके बाद जो चीजें हुई हैं जैसे तैसे मैंने इनका कैरेक्टर टॉलरेट कर लिया, लेकिन जब इन्होंने गुंथर को हरा दिया रेसलमेनिया 40 में फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, भाई इतना दिमाग खराब हुआ था तब, क्योंकि सैमी के और इस टाइटल की जरूरत ही नहीं थी, ना ही गुंथर के इतने लंबे रेन को ब्रेक करने की। ब्रॉन ब्रेकर अभी सैमी ज़ेन के पीछे पड़े हुए आईसी टाइटल के लिए, तभी पड़ जाते गुंथर के पीछे आईसी टाइटल के लिए। चलो जीत गए सो जीत गए, लेकिन उसके बाद सैमी ज़ेन ने जो भी चीजें की हैं स्पेशली उनके कैरेक्टर वाइज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से अब फाइनली वो टाइम आ चुका है जब सैमी इनका हिल्टन कर देना चाहिए WWE को। एंड नाउ इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूं जिनका कि WWE में आज तक हिल्टन नहीं हुआ बट होना काफी जरूरी है। दिस नेम इज नन अदर देन ऑफ रे मिस्टीरियो। मैं कब से देखता आ रहा हूं यार रे को, हमेशा उनको एज अ गुड गाय एज अ बेफेस सुपरस्टार ही बना के रखा है WWE ने। मुझे WCW की बात नहीं पता है, वहां पे उन्होंने एज अ हील काम किया नहीं किया, बट WWE में एज अ हील वो कभी नहीं रहे। यार इतना लंबा करियर रहा रे मिस्टीरियो का, एटलीस्ट अब उनके इस करियर के एंड में तो हमें उनका हिल्टन देखने को मिल जाए। और हां मैं बस इसलिए नहीं कह रहा हूं कि एक फैंटेसी है कि भाई हमें उन्हें एज अ हील सुपरस्टार एक बार देखना है, इससे वो अपनी अच्छी खासी कैरेक्टर डेवलपमेंट करके मेन टाइटल पिक्चर में भी जा सकते हैं। करंटली रे मिस्टीरियो के साथ क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, वो बस ओवर ही कर रहे हैं बाकी सारे सुपरस्टार्स को जो भी उनके अराउंड है, उनको अब जरूरत नहीं है, लेगेसी उन्होंने अपनी बना ली है, हॉल ऑफ फेमर बन चुके हैं WWE के। बट मैं इतना चाहता हूं कि उनकी रिटायरमेंट से पहले एक बार तो उन्हें एक अच्छा खासा पुश दिया जाए, मतलब वो बिल्कुल टॉप टाइटल पिक्चर वाला। और इतना तो हम सबको पता चल चुका है कि एज अ फेस सुपरस्टार वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, अगर किसी तरह पहुंच सकते हैं तो वो एक ही तरीका है, टर्न हिम इनटू अ हील। ओके नाउ इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूं जिनका कि भाई क्या ही कचरा किया WWE ने। दिस नेम इज ऑफ ब्रॉन स्ट्रोमन। भाई पिछली रॉ पे डेमियन प्रीस्ट ने इन्हें हरा दिया। मानना कि डेमियन प्रीस्ट अभी करंटली वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, ऑब्वियसली वो हार नहीं सकते ब्रॉन स्ट्रोमन से, लेकिन उन्हें क्लीन हरा देना यार बहुत बड़ी बात है भाई। एक टाइम पे ये मॉन्स्टर ऑफ ऑल मॉन्स्टर्स इतने तबाही मचा देता था WWE में, ज्यादातर ही मेन स्टोरी लाइन्स में इन्वॉल्व रहते थे, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंज जैसे सुपरस्टार्स के अगेंस्ट। और आज देखो सीधी बात, जब से ब्रॉन स्ट्रोमन का रिटर्न हुआ है WWE में उन्होंने लिटरली कुछ भी नहीं किया। अब देखो ब्रॉन स्ट्रोमन इतने भी बेकार सुपरस्टार नहीं है, हम सबको पता है कितनी स्ट्रेंथ है उनमें, कितनी एबिलिटी है उनमें और कितनी एजिलिटी है उनमें, बट WWE या मैं कहूं ट्रिपल एच उन्हें उस तरीके से बुक करें तो ना। अब एज अ बेफेस तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि अगर यही हाल रहे तो कुछ भी नहीं बनेगा उनका। लेकिन अगर वो हील टर्न कर लेते हैं तब वो ऐसी काफी सारी फ्यूड्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं जहां पे कि वो एक्चुअली मैटर करेंगे कि हां यार ब्रॉन स्ट्रोमन है ये। एंड इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार के साथ तो मेरी ज्यादा ही हमदर्दी है, क्योंकि बंदा इतने लंबे टाइम से WWE में, डेफिनेटली मैं द केल्टिक वॉरियर शेमस की बात कर रहा हूँ, उन्हें अभी भी अच्छे मौके नहीं मिल रहे यार। मुझे अभी भी याद आता है उनका करियर ही शुरू हुआ था ट्रिपल एच के अगेंस्ट मैच करने से। माना कि वो रॉयल रंबल जीत चुके हैं, माना कि वो ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, इवन 2016 के टाइम पे भी अच्छा खासा रन रहा था जब उन्होंने रोमन रेंस को हराया था फॉर द टाइटल, लेकिन अभी भी बंदा इतना पोटेंशियल रखता है कि भाई आप उन्हें मेन स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व करो, जैसे कि आप ड्रू मैकइंटायर को कर रहे हो, क्यों उन्हें पीट डन वगैरह की पोजीशन में डाल के बस यूज करना है ओवर करवाने के लिए बाकी सारे सुपरस्टार्स को। आप चाहो तो ड्रो और शेमस की इतनी खतरनाक राइवलरी बिल्ड कर सकते हो जो कि माइंड ब्लो कर सकती सबका, लेकिन नहीं भाई WWE के पास होते हैं टैलेंटेड सुपरस्टार्स लेकिन वो उनको यूज नहीं करते अच्छे से। सीधी बात, इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार का नाम मैं आपको बताता हूं जो कि शायद आपके लिए काफी शॉकिंग हो। दिस मैन इज द अमेरिकन नाइटमेयर, द करंट अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स। देखो जब से उन्होंने रिटर्न किया WWE में तब से लेके अब तक उन्होंने अच्छा खासा बेफेस कैरेक्टर प्ले किया है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ओवर है वो क्राउड में, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं सभी उन्हें। लेकिन मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं विद इन अ ईयर। अब एक साल के अंदर अंदर तो डेफिनेटली वो अपनी टाइटल हार ही जाएंगे, और हारने के बाद वो क्या करेंगे, डेफिनेटली जब भी वो अपनी टाइटल हार जाए उसके कुछ महीनों बाद ही उन्हें अपना हील टर्न कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ जितना कि उन्होंने एंटरटेन हमें एज अ बेफेस सुपरस्टार किया है उससे 10 times बेटर वो एज अ हील सुपरस्टार कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उनका हील पर्सोना देखा हुआ है भाई, काफी खतरनाक बंदे हो जाते हैं ये भी। बाकी इनसे नेक्स्ट नाम की तरफ मैं चलता हूँ जो कि है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस का। डेफिनेटली यार इनका नाम तो मैंने अपने कॉमन
कमेंट सेक्शन में कितनी बार देखा कि यार सेथ का हील टर्न कब करेगी WWE, अब तो कर ही देना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें, जो कि बिल्कुल सही बातें हैं। सेथ रॉलिंस को एज अ जोकर कैरेक्टर, जोकर मतलब बेइज्जती नहीं कर रहा हूं मैं उनकी, मैं उन्हें जोकर विलन वाले कैरेक्टर से सिंबलाइज कर रहा हूं, जो कि काफी क्रीपी सा था और माइंड गेम्स खेलता था, लेकिन वो तब तक ही सही लग रहा था सेथ रॉलिंस पे जब तक वो हील सुपरस्टार था। जब वो फेस में कन्वर्ट हो गए ना, तो वो एक्चुअली में जोकर लगने लग गए। मुझे सेथ की यार ये बात काफी अच्छी लगती है कि जो भी कैरेक्टर उन्हें दे दिया जाए, हर कैरेक्टर में कमाल कर देते हैं। आर्किटेक्ट से लेके बीच प्लेयर से लेके क्या कुछ प्लानिंग कर लिया उन्होंने, सब सही गया। लेकिन अब मेरे हिसाब से टाइम आ गया कि उन्हें एक और बार कैरेक्टर चेंज करना चाहिए। देखते हैं वो कब तक होता है। फिलहाल इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार नी की तरफ मैं चलता हूं, जो कि है बियांका ब्लेयर। इनका तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही मान के चल लो कि यार विद इन अ ईयर वो डेफिनेटली टर्न कर जाएंगी, और करेंगी किस पे ये भी आपको पता ही है, अपनी करंट टैग टीम पार्टनर जेड कारगिल पे, क्योंकि WWE को डेफिनेटली इन दोनों की राइवलरी सेट करनी है, और मोस्ट प्रोबेबली हमें इन दोनों का मैच रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलेगा, तो उससे पहले ही सारा कांड हो जाएगा। देखो बियांका ने काफी अच्छे अच्छे रेंज दिए, काफी बढ़िया सुपरस्टार वो लगती, काफी स्ट्रेंथ एजिलिटी सब कुछ है उनमें, बस ये कि बहुत ही लंबे टाइम से वो बेफेस सुपरस्टार है और अब परफेक्ट टाइम आ चुका है उनके हील टर्न करने का। बाकी इनसे नेक्स्ट अब टॉप 3 की तरफ मैं चलता हूं, जिसमें नंबर 3 पे नाम है मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना का। देखो अब तो हम सबको पता है कि उनका लास्ट रन होने वाला है बिल्कुल WWE में, ऑफिशियल हो चुकी है चीज कि 2025 उनका लास्ट साल होगा, रिटायर हो जाएंगे उसके बाद जॉन सीना। तो जो चीज जब से मैंने WWE देखना शुरू की है तब से बिल्कुल नहीं देखी है, वो चीज मैं डेफिनेटली देखना चाहता हूं अपनी स्क्रीन पे कि जॉन सीना हमें एज अ हील सुपरस्टार देखने को मिले फॉर द लास्ट टाइम एवर। इससे हमारी वो फैंटेसी भी पूरी हो जाएगी और काफी सारे से ड्रीम मैचेस हम देख भी लेंगे पॉसिबल होते हुए, जो कि शायद वो एज अ बेफेस सुपरस्टार न कर पाए। बाकी इनसे नेक्स्ट नंबर 2 पे नाम है द मेगा स्टार LA नाइट का। देखो ये बंदा बहुत ये करता है, जो कि ठीक है क्राउड के साथ कनेक्ट होता है, क्राउड चीयर अप करता है, बट कब तक यार, कभी तो इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा अपने कैरेक्टर में। डेफिनेटली LA नाइट को हील में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि एज अ बेफेस शायद वो कुछ टाइम और चल जाए, लेकिन हमेशा तो नहीं चल पाएंगे। एंड फाइनली कमिंग टू द नंबर 1 सुपरस्टार जिन्हें की सबसे ज्यादा जरूरत होता है अभी हील टर्न करने की, दैट नेम इज नन अदर देन ऑफ द वाइपर रैंडी ऑर्टन। आई नो WWE इसकी सीड्स डालना शुरू कर चुकी है और हमें पता है कि रैंडी ऑर्टन डेफिनेटली अपना हील टर्न कर लेंगे नियर फ्यूचर में, हमें तो टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि जॉन सीना वापस आने वाले, डेफिनेटली उनके अगेंस्ट फ्यूड करेंगे, कोडी रोड्स WWE चैंपियन है, डेफिनेटली उनके अगेंस्ट भी फ्यूड करेंगे, और अगर ये दोनों फेस ही रहते हैं तो हील बनेगा कौन, ऑब्वियसली रैंडी ऑर्टन, जो कि यार पैदा ही हील हुए थे। सबसे ज्यादा सूट करता है उन पे वो कैरेक्टर जब वो अपने इनर डीमंस बाहर निकालते हैं, और मुझे पता आप मेरी इस बात से अग्री करोगे कि यार रैंडी ऑर्टन अगर एज अ हील सुपरस्टार WWE चैंपियन बनते तब हमें ज्यादा मजा आएगा, रैदर की वो एज अ बेफेस सुपरस्टार चैंपियन बनते हैं। ओके तो यार यही थे वो सारे नाम जो कि यार करंटली बेफेस कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं WWE में, लेकिन धीरे धीरे बोरिंग या फिर इरिटेटिंग फील होना शुरू हो चुके हैं, और डेफिनेटली उन्हें विद इन अ ईयर अपना हील टर्न कर लेना चाहिए। अगर मैंने किसी का नाम मिस कर दिया तो मुझे कमेंट सेक्शन बताना। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने HHR आरा के बिगेस्ट हिट्स और फ्लॉप्स बताए थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो भाई ये रही आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।